आखिरकार वही हुआ जिसकी ओर हेमंत सोरेन ने इशारा किया था। सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की खबर सामने आते ही झारखंड की गलियों में एक जनसैलाब उमड़ने लगा और इसकी शुरुआत झामुमो का सबसे मजबूत किले में सुमार एक संथाल से हुई है। 20 जनवरी जब सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जानी है, ईडी की ओर से पूछताछ की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इधर सरकार की ओर से भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है ताकि ईडी अधिकारियों को इस पूछताछ के दौरान किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े और वह अपने दायित्व का निर्वहन सुगमता पूर्वक कर सके। लेकिन दूसरी तस्वीर यह भी है कि सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ से पहले ही यह सीएम हेमंत की अवमानना के रूप में लिया जाने लगा है। लोगों के बीच से यह आवाज गूंजने लगी है कि ईडी की यह पूछताछ का भ्रष्टाचार से कोई रिश्ता नहीं है, यह तो एकल महज आदिवासी सीएम की सियासत को बदनाम करने की साजिश है और यह सब भाजपा के इशारे पर किया जा रहा है। दरअसल आज साहेबगंज में लोगों ने बाजार बंद रखा है। लोगों का हुजूम साहेबगंज की सड़कों पर घूम घूम कर ईडी विरोधी नारे लगा रहा है। ईडी तेरी मनमानी नहीं चलेगी की नारे गूंज रहे हैं, साथ ही हेमंत सोरेन जिंदाबाद की गूंज उठ रही है। स्थानीय लोगों के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ अपना गुस्सा दिखाया गया। इस हालत में यदि यह विरोध तेज होता है तो प्रशासन के सामने भी परेशानी खड़ी हो सकती है। हालांकि कुछ लोग इसे 2024 की सियासत का आगाज से जोड़कर देख रहे हैं। उनका दावा है कि यदि भाजपा ईडी को आगे कर अपनी सियासी चाल चल रही है तो झामुमो भी अपने समर्थकों को आगे कर 24 का सिंहनाद कर देगी। यह विरोध प्रदर्शन भी उसी का हिस्सा है। बता दें कि सीएम हेमंत पहले भी ईडी को अपनी गिरफ्तारी की चुनौती दे रहे हैं। उनका दावा रहा है कि यदि हमने कोई गुनाह किया तो ईडी हमें गिरफ्तार क्यों नहीं करती, वह यह बार बार समन का खेल क्यों खेल रही है। दरअसल माना जाता है कि सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी खूबसूरती से ईडी की पूछताछ को सियासी रंग देने में कामयाब हो चुके हैं। वह अपने समर्थकों के समूह तक यह बात पहुँचाने में सफल रहे कि ईडी आज जो भी कुछ कर रही है वह अपने पॉलिटिकल आका के दबाव में कर रही है। क्योंकि यह जंग सियासी है इसलिए इसका जवाब भी सियासी ही दिया जाएगा और सियासी दंगल होगा 2024 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव। ईडी की अदालत से बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है और हमारी किस्मत का फैसला अब उसी अदालत में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।